हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस चला रखा हूँ, जो जेआरएफ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी इन क्लासों को ज्वाइन करके और अपनी एक अच्छे लेवल से प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं फर्स्ट पेपर का यहाँ पर आपको सारा सारा सिलेबस करवाऊँगा। मैं सिलेबस केवल उसी बेस पर नहीं करवाऊँगा कि आपका सिलेबस कम्प्लीट हो जाए, मैं सिलेबस उस बेस पर कराऊंगा कि आपका उसमें अच्छा स्कोर हो, आपका 80 प्लस मार्क्स का स्कोर हो। प्रेजेंट टाइम में मैं इस वीडियो में आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, क्योंकि जेआरएफ के पेपर में 5 नंबर का रीजनिंग आता है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 10 नंबर का रीजनिंग आता है। यदि आपको जेआरएफ या नेट निकालना है तो रीजनिंग के 10 में से 10 मार्क्स लेना बहुत कंपलसरी है। उसके लिए मेरे इस वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें लास्ट तक, बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे सारे क्वेश्चन बहुत लेवल के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CEGIKIKMOQS, और हमें नेक्स्ट लेटर का पता चलाना है कि यहां कौन सा पेयर आएगा। इसके लिए सबसे पहले इनको नंबर सीरीज में कन्वर्ट करो। ये कर दिया आपने इसको नंबर सिस्टम में या नंबर सीरीज में कन्वर्ट। अब आप इस नंबर सीरीज को केवल 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए फोकस करके देखो, इसके ऊपर स्पेशल आपको फोकस करना है और देखना है कि इनमें क्या क्या समानता दिख रही है आपको। इन दो में 2 का अंतर दिख रहा है, फिर इन दो में 2 का अंतर दिख रहा है, फिर आपको इस दो में 2 का अंतर दिख रहा है, फिर 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 आपको 2 का अंतर करना है, 21 आ जाएगा, फिर आपको 2 का अंतर करना है, 23 आ जाएगा। सभी में 2-2 का अंतर था, ओवरऑल सभी में 2-2 का अंतर था। आपको आगे भी 2 का अंतर करना है, 2 का अंतर 19 में 2 जोड़ोगे तो 21, 21 यू का है, फिर 21 में 2 का अंतर 23, 23 डब्लू का है, क्या है, डब्लू का है। फिर उसके बाद तीसरा पेयर निकालने के लिए 2 का अंतर करोगे, 23 में 2 जोड़ोगे 25, 25 किसका है, वाई का है। आपका करेक्ट आंसर आ गया यू W Y, U W और Y। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, LOQ S VX, S VX, Z C E, नेक्स्ट पेयर का पता चलाना है कि यहाँ पर नेक्स्ट पेयर कौन सा आएगा। इसके लिए सबसे पहले इसको नंबर्स में कन्वर्ट करो, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 3, 5। आपने इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इस सीरीज को जो नंबर में कन्वर्ट किया, जो नंबर सीरीज है, इसको 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए स्पेशली इसके ऊपर फोकस करना है आपको, नंबर सीरीज पर, और आपको देखना है कि इसमें कुछ सिमिलरिटी मिल रही है या नहीं मिल रही, कुछ समानता मिल रही है या फिर कुछ ऐसा समानता मिल रही है जिसके आधार पर हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो सके। आप इसके ऊपर फोकस करो, मेरे को मिल गई है, आपको भी मिल गई होगी, +7 का अंतर, +7 का अंतर, 12 में और 19 में 7 का अंतर है, 19 में और 26 में फिर 7 का अंतर है, फिर यदि इसमें 7 का अंतर अपन को करना है, किसका अंतर करना है, 7 का अंतर, और यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा। यदि आप 26 में अल्फाबेट्स के बेस पर
ऊपर ए बी सी डी है, यदि 26 में वैसे 7 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 33 आएगा, और अल्फाबेट्स में 33 कोई नंबर नहीं होता तो इसलिए 7 ही आएगा। 26 में 7 जोड़ोगे तो 7 ही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जी आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपको फर्स्ट लेटर का पता चल गया। अब आप इसमें कोई ऐड कर नहीं सकते क्योंकि 12 में 15 में 3 का अंतर है, फिर इनमें 15 में 17 में 2 का अंतर है, 19 में 22 में 3 का अंतर है, 22 में और 24 में 2 का अंतर है, 26 3 का अंतर, 2 का अंतर। अब आपको पता चल गया एक नया कि एल में और ओ में, एल में और ओ में कितने का अंतर है, मैं यहाँ करा देता हूँ आपको, एल में और ओ में पी में कि 12 में और 15 में 3 का अंतर, 15 में 17 में 2 का अंतर, 19 में 22 में 3 का अंतर, 22 में 24 में 2 का अंतर, 26 में और 3 में 3 का अंतर, 3 में और 5 में 2 का अंतर। समझ में आ गया होगा आपको कि 26 में और 3 में 3 का अंतर क्यों है, कि अल्फाबेट्स में 26 के बाद तीसरे नंबर पर 3 ही आता है, यदि 26 में और 3 में अंतर देखा जाए तो केवल ही 3 का अंतर होता है अल्फाबेट्स के बेस पर। तो आपको पता चल गया, हमें पहले 7 आ गया था, 7 ऐड करने पर, फिर एक दूसरे में कंपेयर किया तो पता चला कि फर्स्ट लेटर में और 3 जोड़ने पर नेक्स्ट लेटर आ रहा है, फिर नेक्स्ट लेटर में 2 जोड़ने पर उससे अगला लेटर आ रहा है, बिल्कुल सीरीज चल रही है, पहले 3 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा फिर 2 जोड़ा। इसको फॉलो करते हुए हमें 7 में पहले 3 जोड़ना है, क्या करना है, 3 जोड़ना है, यहाँ पर 10 आएंगे, फिर 10 में हमें 2 जोड़ना है, यहाँ पर 12 आएंगे, क्या आ गया, 7 10 और 12। 7वें नंबर पर जी है, 10 पर जे है और 12 पर एल है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया, जी जे एल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए सी एफ एच के, एफ एच के नेक्स्ट लेटर का आपको पता चलाना है, ए में 1, सी में 3, एफ में 6, एच में 8, के में 11। ये इसको आपने नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया, अब आपको इनमें डिफरेंस देखना है कि इसमें क्या समानता मिलती है, प्लस 2 प्लस 3, प्लस 2 प्लस 3 क्या, और पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, इसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, फिर प्लस हमें 2 जोड़ना होगा, जब 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13, 13 किसका नंबर है, के का है, किसका, के का, इसका हमारा जो आंसर आएगा वो के आएगा, क्या आएगा, के, वो सॉरी 13वें नंबर पर क्या है, एम, इसका हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, एम आएगा, क्योंकि 13वें नंबर पर एम है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, डी ई सी, डी ई सी एच आई जी, एच आई जी एल एम के, एल एम के पी ओ क्यू, पी ओ सॉरी पी क्यू ओ, और हमें नेक्स्ट लेटर का पता चलाना है, दिख रहा होगा आपको लास्ट, बिल्कुल मैं इसको थोड़ा सा कैमरे को घुमा लेता हूँ, ये हमें नेक्स्ट लेटर को ढूंढना है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दो, 4, 5, 3, 8, 9, 7, 12, 13, 11, 16, 17, 15 आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें फोकस करो, आपने फोकस किया कि ये सीरीज वाई है, वैसे क्या है, सी डी ई, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 16,
इसका मतलब क्या पता चला आपको कि जो भी सीरीज आएगी हमारी उसमें जो बीच का लेटर है वो दोनों लेटरों से छोटा बड़ा होगा, जो बीच का लेटर है वो इन दोनों लेटरों से बड़ा होगा, जो हमारी सीरीज आएगी वो उसमें जो बीच का लेटर है वो दोनों लेटरों से बड़ा होगा। अब हमें हमारी सीरीज में लेटर क्या आएगा उसका पता चलाना है, उसके लिए या तो इन दो में कंपेयर करो, फर्स्ट पेयर के लास्ट वर्ड और सेकंड पेयर के फर्स्ट वर्ड, या फिर कंपेयर करो आप बिल्कुल सेम तरीके से सेकंड पेयर का लास्ट वर्ड थर्ड पेयर का फर्स्ट वर्ड, फिर कंपेयर करो थर्ड पेयर का लास्ट वर्ड लास्ट पेयर का फर्स्ट वर्ड, इस तरीके से आप कंपेयर करोगे फोर्थ पेयर का लास्ट वर्ड। अब इससे आपका जो नेक्स्ट पेयर है उसका फर्स्ट वर्ड निकल जाएगा। आपको कंपेयर करना है दोनों में प्लस पाँच का अंतर, फिर दोनों में प्लस पाँच का अंतर, फिर दोनों में प्लस पाँच का अंतर, फिर पंद्रह में हमें क्या करना है प्लस पाँच का अंतर करना है, ये क्या आएगा बीस आएगा। हमें फर्स्ट पेयर का पता चल गया कि बीस आ गया, अब हमें इन दो पेयरों का पता चलाना है, दो पेयर क्या आएंगे। अब हम इन पेयरों का पेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इन चारों का एक बार पुनः निरीक्षण करते हैं, उसमें हमें पता चला कि जो बीच का पेयर है वो बड़ा है, सेकंड और जो फर्स्ट और थर्ड है वो छोटा है, बीच का बड़ा फर्स्ट थर्ड छोटे, बीच का बड़ा फर्स्ट और थर्ड छोटे, ये तो हमें पता चल गया है कि जो यहाँ पर पेयर आएगा वो बड़ा आएगा। चार पाँच आठ नौ बारह तेरह सोलह सत्रह इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर इक्कीस आएगा भाई, चार पाँच आठ नौ बारह तेरह सोलह सत्रह इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बीस इक्कीस होना चाहिए। अब नेक्स्ट पेयर तीन चार सात आठ ग्यारह बारह पंद्रह सोलह, फर्स्ट में और लास्ट में किसी भी पेयर का फर्स्ट और लास्ट इन दोनों में कंपेयर करो, तीन चार सात आठ ग्यारह बारह पंद्रह सोलह, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें इसमें कंपेयर करना है बीस में और लास्ट वर्ड में, तो क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर उन्नीस आएगा। अब इस ये नहीं समझ में आया कि उन्नीस यहाँ पर कैसे आया, तो उसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, पाँच में और तीन में कितने का अंतर है दो का अंतर, नौ में सात में दो का अंतर, तेरह में ग्यारह में दो का अंतर, सत्रह में पंद्रह में दो का अंतर, इसके अकॉर्डिंग पहला बीस आ गया, दूसरा अपन ने इक्कीस निकाल लिया, इसमें जो इक्कीस है उसमें अपन को दो लेस करना है, क्या करना है दो लेस करना है, इससे क्या आएगा उन्नीस आएगा, फर्स्ट बीस हो गया इक्कीस हो गया और उन्नीस हो गया। इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो बीस इक्कीस उन्नीस टी यू एस, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दस, ए ई जे ए ई जे एन एस डब्लू और फिर क्वेश्चन मार्क, कन्वर्ट कर दो एक पाँच दस चौदह उन्नीस तेईस, नेक्स्ट लेटर निकालना है इनमें कंपेयर करो, चार पाँच चार फिर पाँच फिर चार, ये इसमें इस तरीके से अंतर है, एक में पाँच में चार का अंतर, पाँच दस में पाँच का अंतर, दस चौदह में चार का अंतर, चौदह उन्नीस में पाँच का अंतर, उन्नीस तेईस में चार का अंतर, इस रूल को फॉलो करना है, पहले चार का अंतर फिर पाँच का अंतर फिर चार का अंतर फिर पाँच का अंतर फिर चार का अंतर, अब क्या आएगा पाँच का अंतर, तेईस में पाँच जोड़ेंगे कितना होता है, तेईस में यदि पाँच जोड़ेंगे तो आएगा बी दो, अल्फाबेट्स के बेस पर अपन जोड़ेंगे, अल्फाबेट्स के बेस पर जोड़ना है, तेईस में पाँच जोड़ना है, क्या करना है पाँच जोड़ना है, तो यहाँ पर बी आएगा, क्या आएगा बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो पिछले वीडियोस की तरह मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको उसका आंसर सॉल्व करके और मेरे को कमेंट करना है, आपको बताना है कि इसका सही बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आएगा।
क्वेश्चन छह, टीयूबी टीयूबी एस आई जेड ई एल ए टी आई एन एफ ओ आर एम ए एल, और आपको नेक्स्ट लेटर का पता चलाना है। पहले टी ओ बी साइज एल ए टी आई एन फोर्टेन, सॉरी फॉर्मल, क्या है फॉर्मल है, लैटिन है, साइज है और टब है, ये शब्द है। आपको नेक्स्ट लेटर का पता चलाना है। पहले एच आई जी एच टी, दूसरा है एल ई एन जी एच टी, सी है सी यू पी, एल ई एन जी। नेक्स्ट आपका आंसर जो पेयर है वो है एस सी एच डबल ओ एल एस, ये इसके आंसर है, ऑप्शन है। ये आपका क्वेश्चन था, आपको नेक्स्ट पेयर क्या आएगा उसका आंसर मेरे को नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताना है। आपको यदि इसी तरीके के क्वेश्चन चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हो, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप किस तरीके से पीडीएफ ले सकते हो। और मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मैं यहाँ पर आपको डीआईपी सॉल्व करवाऊंगा, जिसको हम डाटा इंटरप्रेशन बोलते हैं, वो भी 10 नंबर का मैटर होता है। वहाँ से हमें पूरे के पूरे 10 के 10 क्वेश्चन सही करने हैं, वो 5 के 5 क्वेश्चन सही करके और 10 मार्क्स लेके आने हैं। जिस एग्जाम में वो 5 मार्क्स का है, मतलब जो डीआई है, उसका हमें 100% सही करना है। क्या करना है, 100% सही करना है। यदि ये चैनल ये वीडियो आपको सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। जो मैंने मिस्टेक्स की हो वो आप कमेंट करके और मेरे से ज़रूर शेयर करो। थैंक्स देखने के लिए, बाय।